ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि क्या वो हालात रहे जिसके चलते बांग्लादेश में हो गया तख्ता पलट, लेकिन इन्हीं सब हालातों के बीच में बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं पाकिस्तान को लेकर, और कहा यह जा रहा है बांग्लादेश जैसा हालात ही अब पाकिस्तान में होने वाले हैं, यानी कि पाकिस्तान में भी बहुत जल्द तख्ता पलट हो सकता है। पाकिस्तान से बड़ा अपडेट, बांग्लादेश जैसे हालात होने का पूरा पूरा अंदेशा है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बयान से पाकिस्तान में तहलका मच गया है। पाकिस्तान में अब तक 4 बार तख्ता पलट हो चुका है। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की तादाद लगातार बढ़ रही है, बांग्लादेश से तुलना करने पर भड़क गए हैं आसिम मुनीर। पाकिस्तान को लेकर सोशल मीडिया पर जो मीम्स आए, मीम्स की बाढ़ आई, उससे आसिम मुनीर नाराज हो गए, भड़क गए। बांग्लादेश से तुलना की जाएगी तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, ये सीधे तौर पर उनकी तरफ से कह दिया गया है। लेकिन सुखबुकाहट बहुत तेज है कि पाकिस्तान में भी वही होने वाला है जो बांग्लादेश में हुआ है। राष्ट्र की अखंडता के लिए सेना हमेशा तत्पर रही है, ये आसिम मुनीर साफ कर चुके हैं। हालांकि कंपैरिजन अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेना में भी फर्क दिखता है। बांग्लादेश में सेना बटी हुई थी लेकिन पाकिस्तान में ये एकजुट नजर आती है। ऐसे में आसिम मुनीर कह रहे हैं विद्रोहियों को कुचलने में हमारी सेना हर तरीके से सक्षम है और हम ऐसा करेंगे अगर कोई भी विद्रोह करता है तो। साथ ही साथ जनरल मुनीर कह रहे हैं सोशल मीडिया पर जो अराजकता फैली है उस पर कंट्रोल होना जरूरी है। साथ ही साथ जो मीम्स लगातार बढ़ रहे हैं बांग्लादेश के हालात को लेकर, जो पाकिस्तान पर निशाना साधा जा रहा है, उससे आसिम मुनीर नाराज हैं, भड़क गए हैं और कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ है वो पाकिस्तान में हम कतई होने नहीं देंगे। पाकिस्तान जहां पर कट्टरपंथियों की संख्या बढ़ रही है, पाकिस्तान जहां पर हालात सामान्य नहीं दिखाई दे रहे, और ऐसे में जब पिछले ही दिनों खबर सामने आई थी कि शहबाज शरीफ भी खतरे में है, उनकी सरकार खतरे में है, उधर सेना और इमरान खान के बीच में बातचीत की जो संभावनाएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में माना ही जा रहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो पाकिस्तान में भी हो सकता है। आइए अब आपको आगे बढ़ते हुए बता देते हैं कि बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी कौन कौन तख्ता पलट के खलनायक हैं, यानी अगर ये हालात बनते हैं तो क्या हो सकता है और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। बांग्लादेश में तो जो कुछ हुआ उसके पीछे जमात इस्लामी और ISI का हाथ कहा जा रहा है, यहाँ अगर तख्ता पलट होता है तो कौन इसका खलनायक होगा, ये आप जानिए। यहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान को कंपेयर आप कर लीजिए, तख्ता पलट के पीछे यहाँ पर शक के दायरे में ISI भी है और जमात इस्लामी भी, और उधर पाकिस्तान को लेकर जानकारी ऐसी कि जमात इस्लामी ने यहाँ पर भी सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। हिंसा के पीछे सरकार के खिलाफ साजिश भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। अब यहाँ सेना के तौर पर देख लीजिए, सेना भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान में तख्ता पलट को लेकर शक के दायरे में सेना भी है। यहाँ बांग्लादेश में जो हालात हुए उसमें दो धड़ों में बटी हुई सेना नजर आती है, और आर्मी चीफ ने ही शेख हसीना को कहा था कि आप इस्तीफा दीजिए और देश से निकल जाइए। ऐसे में कठपुतली सरकार बनाने में सेना माहिर है और ये हालात पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। जमात इस्लामी का सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों ही देशों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे जमात इस्लामी का खास तौर पर हाथ कहा गया। पाकिस्तान में मुख्य राजनीतिक दल के तौर पर भी इसकी पहचान है। अब चीन की भी साजिश इसके पीछे नजर आती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही जगह कर्ज के जाल में उलझाया हुआ है चीन ने, और कर्ज के जाल में फंसा हुआ है पाकिस्तान, जहां चीन की कठपुतली बना हुआ पाकिस्तान, और ये जो सिमिलर हालात हैं यहाँ बांग्लादेश में उधर पाकिस्तान में, इसीलिए भी बार बार रह रहकर ये सवाल उठ रहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ, क्योंकि रीजन कुल मिलाकर सिमिलर नजर आ रहे हैं उधर बांग्लादेश और इधर पाकिस्तान में, और इन सिमिलर रीजन के बीच में हालात अगर बिगड़ते हैं, यानी कि सेना और इमरान के बीच में अगर बात बनती है, शहबाज शरीफ की सरकार अगर इस तरीके से खतरे के दायरे में ज्यादा आती है, तो क्या हालात फिर ऐसे ही हो जाएंगे जो बांग्लादेश में हुए, इसको लेकर बात हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। UK देवनाथ सर, अगर रीजन हम बांग्लादेश में ढूंढने जाएं तो कुल मिलाकर 4 से 5 रीजन ऐसे हैं जो बांग्लादेश को आज इन हालातों तक ले आए, लेकिन अगर पाकिस्तान पर नजर डालें तो पाकिस्तान में भी घुमा फिराकर कुछ ऐसे ही रीजन हैं जो सामने आ रहे हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा मीम्स, बहुत ज़्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर भी है। वो बात अलग है कि आसिम मुनीर को पसंद नहीं आ रही। मनीष सिसोदिया कुछ बोल रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। में डाला जा रहा है ताकि उनकी जमानतें तक ना हो सके, उनके ट्रायल शुरू भी नहीं हो और फिर भी जमानतें ना हो सके, ये तानाशाही है, और ये तानाशाही देश के आम आदमी के खिलाफ हो रही है। इसका जो भुक्तभोगी है सबसे ज्यादा
देश का एक आम आदमी है, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसकी नौकरी खतरे में है, सारी चीजें खतरे में है। इसके लिए लड़ना पड़ेगा सारे विपक्ष को एकजुट होके, और सारे विपक्ष को ये नहीं सोचना कि आज मेरा नेता जेल में, कल उसका जेल में, जब जिसका जेल में उसकी लड़ाई लड़े। आज मैंने कहा भी है और फिर से दोहराता हूँ कि अगर आज देश ने विपक्ष को एक ताकत दी है और अगर आज विपक्ष पूरा एकजुट होकर एक आवाज में बोल देगा तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आ जाएंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे। और मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद भी चर्चाएं तेज हैं कि अरविंद केजरीवाल भी अब बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं वो पाकिस्तान में रिपीट होते हुए नजर आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा है, जानकार भी कुछ ऐसी ही इंडिकेशंस दे रहे हैं, लेकिन आसिम मुनीर को ये बात पसंद नहीं आ रही है। यूके देवनाथ सर, अगर रीजन हम खंगालने जाएं उधर बांग्लादेश इधर पाकिस्तान में, तो सिमिलर रीजन सामने आते हैं वहां प्रदर्शन और विद्रोह के पीछे, और यही जो एक्टिवनेस है वो पाकिस्तान में भी दिख रही है। तो क्या बांग्लादेश में जो हुआ वो रिपीट होने वाला है पाकिस्तान में भी? बांग्लादेश दोनों की हालत एक समान है, थोड़ा सा फर्क सिर्फ इतना ही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मुकाबले थोड़ा क्षेत्रफल ज्यादा है और पाकिस्तान में जो उनकी आर्मी है उनकी आर्मी एक साथ ही है। ये गौरतलब बात है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पंजाबी सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेड है। एक और चीज जो पाकिस्तान की आर्मी में है कि वहां पर जो यंग ऑफिसर्स होते हैं उनको कमीशनिंग के बाद ही, भाई यंग ऑफिसर्स मेरा मतलब है कि लेफ्टिनेंट कैप्टन, उनको एक तरह की सीख दे देते हैं उनके सीनियर ऑफिसर्स कि आपको ही देश को एक साथ रखना है और देश की और आपकी इज्जत एक साथ है। बांग्लादेश आर्मी में क्या हुआ है कि 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उनकी आर्मी में दो तरह के ऑफिसर्स थे। एक तरह के तो वो ऑफिसर्स थे जिन्होंने कि 1971 की लड़ाई में मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया, कईयों ने तो मुक्ति वाहिनियों को ज्वाइन भी कर लिया था आजादी की लड़ाई के लिए। दूसरे तरह के अफसर जो है बांग्लादेश के आर्मी में उस तरह के अफसर थे जिन्होंने कि 1971 की लड़ाई के दौरान, जब मार्च 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने आजादी डिक्लेयर कर दी थी, तो मार्च 1971 से दिसंबर 1971 तक इन ऑफिसर्स ने पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था और मुक्ति वाहिनी के विरुद्ध लड़ाई की थी। तो जब बांग्लादेश आजाद हुआ तभी से ही ट्रेडिशनली दो तरह के अफसर वहां पर हैं, एक जो कि प्रो मुक्ति वाहिनी है तो ये लोग बन गए सपोर्टर्स ऑफ अवामी लीग, और एक थे जो वो अफसर जो कि बेसिकली बिहार से गए थे, बिहारी मुसलमान जिन्होंने की मुक्ति वाहिनी को हराने की, दबाने की कोशिश की थी। और आजादी के बाद ये ऑफिसर्स जो हैं ये बांग्लादेश आर्मी में तो थे लेकिन इनका एक पश्चिमी पाकिस्तान के लिए या बाद में पीएनपी बेगम खालिदा की पार्टी के लिए जरा सॉफ्ट कॉर्नर था। तो पाकिस्तान में जनरल मुनीर का, आसिम मुनीर का बहुत ही मजबूत पकड़ है और आर्मी एकजुट खड़ी है। आर्मी को मालूम है कि देश से ज्यादा पाकिस्तान आर्मी की इज्जत की बात है। मैं दर्शकों को बता दूं कि बाकी देशों में जैसे देश की एक आर्मी होती है, पाकिस्तान में एक इक्वेशन उल्टा है। पाकिस्तान की आर्मी के पास एक देश है और उनकी आर्मी को मालूम है कि आर्मी को एकजुट रहना पड़ेगा और देश को एक साथ रखना पड़ेगा। बड़ी बात पाकिस्तान में अगर सोशल मीडिया पर तो कंट्रोल में आ जाए चलते हैं यूके देवनाथ सर, लेकिन अगर मीम्स पर कोई आर्मी चीफ इस तरीके से रिएक्ट करे तो वो भी अपने आप में हास्यास्पद सा लगता है, क्योंकि मीम्स तो ऐसे ही सोशल मीडिया पर न जाने कितने चलते हैं, और अगर मीम से परेशान होने लगे तो न जाने फिर जो बड़ी परेशानी आएगी तो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। साथ ही साथ एक और अपडेट भी है, पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन ने भी इन सब हालातों के बीच में दे दी है बड़ी चेतावनी। वो चेतावनी ये है कि इमरान अगर रिहा नहीं हुए तो बड़ा प्रदर्शन होगा पाकिस्तान में, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा, ये साफ कर दिया गया है स्टूडेंट्स की तरफ से। प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान में मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये भी इस धमकी में कहा गया है। पीएसएफ की चेतावनी के बाद सरकार अब बड़ा एक्शन ले सकती है, जो जानकारी है पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन यानी कि पीएसएफ ने ये चेतावनी दी है, इमरान रिहा नहीं हुए तो होगा बड़ा प्रदर्शन।
अब किस तरीके से पाकिस्तान में तख्ता पलट की खबरें तेज हो गई हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि यहाँ बांग्लादेश में भी ये जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जिसमें हिंसक हो गया प्रदर्शन, वो स्टूडेंट्स की तरफ से ही शुरू हुआ प्रदर्शन था, जिसने अलग तरीके की शक्ल ले ली, और ये अलग शक्ल इख्तियार करने के बाद बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा और ये जल्द ही होगा, ये दावे क्यों हो रहे हैं? बांग्लादेश का आंदोलन इसमें प्रेरणा के तौर पर सामने आ रहा है, और अब पाकिस्तान में भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें लगने लगा है कि क्यों नहीं अपने मुद्दों को लेकर हम भी सड़कों पर जाएं। यहाँ पीएसएफ ने सरकार को सीधे तौर पर दे दिया अल्टीमेटम, इमरान अगर यहाँ नहीं हुए तो बड़ा प्रदर्शन होगा। पाकिस्तान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की बात भी यहाँ इन स्टूडेंट की तरफ से कही गई है।